अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे है तो फ्राइडे को क्यू एन ए वीडियो आती है, तो इसलिए आपकी थोड़े सवाल है आपके, जो इसमें कुछ डाउट भी है आप लोग का कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। तो बस उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक क्या करो यार, लाइक ही तो मांगता हूँ, लाइक करने से क्या हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, मैं सारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो अभी सीधे ही आपकी सवाल की तरफ चले आता हूँ। तो यहाँ पर पहला सवाल है गावा मस्जिद की तरफ से, भाई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में एरर आता है, अगर आपका कोई एरर आ रहा है तो हो सकता है ये क्यूआर का कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने चेक किया है मेरा अकाउंट में कोई ऐसा एरर नहीं आ रहा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? फिर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे मुजम्मिल भाई की तरफ से, यू कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायर देन कैन आई टेक नकल कफाला। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो आप तो ट्रांसफ़र ले ही सकते हो, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं। बट यहां पे अभी फिर से बता देता हूं कि इस पीरियड में ट्रांसफ़र लोगे तो आपकी कंपनी के पास अभी भी ये है, अधिकार है, राइट है कि वो आपको हुरूप खुरूज फाइनल एग्जिट ये सब लगा सकती है। ट्रांसफ़र अभी दो ही कंडीशन में बिना परमिशन का हो रहा है, एक तो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो, दूसरा आपका इकामा एक्सपायर हो। इसके बाद इकामा एक्सपायर के 3 दिन बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, या वर्क परमिट एक्सपायर हो तो भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो बिना परमिशन के, ठीक है? तो ये सब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, एक भाई है, सर मेरा एम्प्लॉय ओपन नहीं हो रहा है, यही सेम प्रॉब्लम है, ये अभी जो है क्यूआर का आई थिंक टेक्निकल कोई इशू होगा, इसलिए आपका ये ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे है, सर रिसेंटली आई ज्वाइन ए न्यू कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट साइंड एंड ऑल्सो इकामा वाज ट्रांसफर टू दिस कंपनी, बट नाउ आई एम इन प्रोबेशन पीरियड, सो मे आई हैव द ऑप्शन टू टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्वाइन ए न्यू कंपनी। येस यू हैव द ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शन तो है, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखी है, पहले वो दोनों वीडियो को आप देख लो, समझ लो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप ट्रांसफ़र ले लेना आप अगर चाहते हो तो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कमरान खान की तरफ से, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है अवेलेबल सुन, क्या करना चाहिए? हाँ ये कुछ लोग के साथ हो रहा है, मेरे पास भी 2-4 मैसेज ऐसा और भी आया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस तरह का आपको ऑप्शन आ रहा है, बट मैंने चेक किया अपना अकाउंट तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है ये क्यों अगर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग के साथ ऐसा हुआ हो। अगर अभी भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं फिर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट सवाल यहाँ पे अदनान इकबाल की तरफ से, भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, मैं अगर डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले लूँ तो और पुरानी कंपनी को उसी दिन पता चल जाता है, तो क्या वो कोई एक्शन ले सकती है या नहीं? क्यों आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद पुरानी कंपनी को कुछ घंटा बाद पता चला तो वो कोई एक्शन, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ सुन लो आप लोग, तो आपकी जो है करेंट कंपनी वो कोई एक्शन नहीं ले सकती, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपकी कंपनी कुछ भी आपका नहीं कर सकती है, ना आपको एग्जिट विग्जिट कुछ नहीं लगा सकती। हाँ इकामा अगर एक्सपायर है तो, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, इकामा एक्सपायर होने के बाद बिना डरे हुए आप ट्रांसफ़र ले सकते हो बिना परमिशन का, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है अगर आपका रिक्वेस्ट, तो भाई मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, आप ट्राई करो बार बार, हो सकता है ये जो है टेक्निकल इशू आता रहता है क्यूआ में, तो इस वजह से जो नहीं होता है, आप बार बार अगर ट्राई करोगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाए। पीरियड टाइम ख़त्म हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्या बिना अपडेट आया है तो बताओ? अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है, ठीक है? तो इसलिए आपको भाई क्यूआ में मेरा नाम रॉन्ग बता रहा है, इसको कैसे सही करें? अगर नाम रॉन्ग बता रहा है तो मुझसे आप कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, मैं फिर देख लूँगा आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? भाई मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और कफ़ील कोई और है, और मेरा कफ़ील उस कंपनी का मैनेजर भी, और वो मैनेजर को छोड़कर उस कंपनी में डायरेक्ट कफ़ाला लेना चाहता हूँ। 8 महीने पहले ही मैंने अपनी कंपनी कफ़ील क्यूआ के थ्रू लिया है, कफ़ाला लिया है। हाँ तो आपको ले सकते हो, बट वही है परमिशन चाहिए होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर इसके अलावा आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आपका किसी का भी कमेंट मैंने नहीं पिक किया हो तो सॉरी, आप दोबारा कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हो सकता है छूट जाता है कभी कभी, तो उसके लिए सॉरी। बट आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो मैंने बताया, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और
इस वीडियो को तो लाइक कर ही दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।